स्टूडेंट, तो अब हम लास्ट लेक्चर में हमने ई एन को कंप्लीट कर लिया था। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पर वीबीटी थ्योरी। तो वीबीटी थ्योरी स्टार्ट करने से पहले हमारा जो सीएफटी थ्योरी था उसका कुछ लिमिटेशन था, ठीक है। अब देखो सीएफटी थ्योरी का लिमिटेशन हमारा क्या था बच्चों, तभी तो हमारा वीबीटी थ्योरी आया, लिमिटेशन ऑफ सीएफटी थ्योरी, ठीक है। अब देखो सीएफटी थ्योरी आपका, सीएफटी थ्योरी ने कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर नहीं देंगे। अगर किसी चीज का आपको लिमिटेशन निकालना है तो उसके क्वेश्चंस का, अगर आपको, अगर आपकी थ्योरी में कोई भी लिमिटेशन नहीं है तो उसका एक्सप्लेनेशन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप अनआंसर्ड होते हो तो इसका मतलब वो आपका लिमिटेशन हो गया, सिंपल हम समझ सकते हैं। तो सीएफटी का लिमिटेशन क्या था बच्चों, पहला पहला आपका सीएफटी का लिमिटेशन था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म बाय सम मेटल्स, मतलब कुछ मेटल से आपके कॉम्प्लेक्स का फॉर्म होता है। इसको वो बता नहीं पाया, इस क्वेश्चन का आंसर वो दे नहीं पाया, व्हाई, पहला। सेकेंड लिमिटेशन क्या था बच्चों यहां पर, सेकेंड लिमिटेशन बच्चों वो आपका स्ट्रक्चर को भी नहीं बता पाया, ठीक है। तो यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विल बी डिसाइडेड बाय इसको कर लो, विल बी डिसाइडेड बाय सेकेंडरी वैलेंसी हाउ, ये भी नहीं बता पाया वो, ठीक है। थर्ड आपका जो था, थर्ड इसका क्वेश्चन, इट कैन नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिक एज वेल एज ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये भी नहीं बता पाया। तो ये तीनों इसके डिसएडवांटेज थे। इसी डिसएडवांटेज को हटाने के लिए हम कौन सी थ्योरी पढ़ेंगे बच्चों, वीबीटी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड थ्योरी। तो देख लेते हैं बच्चों वीबीटी, ये आपका केमिकल बॉन्डिंग से अलग है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझना। वीबीटी थ्योरी क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड थ्योरी का कुछ अजम्पशन थे। पहला अजम्पशन क्या था बच्चों, पहला सिंपल अजम्पशन, हम अजम्पशन पे नहीं चलते, हम सिंपल, मैं आपको बिना अजम्पशन के बताता हूं, ठीक है, बिना अजम्पशन के समझो, आपको पूरा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों। अब यहां पर एक चीज, एक स्टेटमेंट आपको ध्यान से समझना है कि मेटल आयंस विल बी प्रोवाइडेड equal amount of vacant orbital प्रोवाइड करेगा, जितना उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है। तो मेटल आयन विल बी प्रोवाइडेड इक्वल अमाउंट ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल टू फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब आपके इक्वल अमाउंट में कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रोवाइड करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए इक्वल अमाउंट में वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। मतलब हमारा जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो क्या है बच्चों, एलपी का डोनेशन, लोन पेयर डोनेशन होगा तभी आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ये तो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। अब ध्यान देना,
वीबीटी थियरी दो टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए एक्सप्लेन होती है बच्चों, एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए, ठीक है। तो मैं एक एक करके बताता हूं यहां पर कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एक आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4, एक आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। दो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए प्रोवाइड होगा। अब ध्यान से समझना, इसमें बेटा दो टाइप का होगा, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्या होगा? जो आपका वेकेंट ऑर्बिटल होगा, वेकेंट ऑर्बिटल आपका हाइब्रिडाइज करेगा, वेकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज टू ईच अदर एंड फॉर्म सिमिलर शेप एंड सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल, मतलब मैंने क्या बोला बच्चों, यहां पर वेकेंट ऑर्बिटल आपका सिमिलर शेप और सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा। यही वेकेंट ऑर्बिटल आपस में पहले हाइब्रिडाइज होंगे, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने से पहले, बिफोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने से पहले ये आपस में हाइब्रिडाइज होंगे, देन आफ्टर ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आपका क्या करेगा बच्चों? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि हमको उतने ही अमाउंट में वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए जितने अमाउंट में मुझे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बनाना है, मतलब जितना उसका क्या हो बच्चों, या फिर हम बोल सकते हैं यहां पर जितना उसका क्या हो बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर हो इक्वल अमाउंट का, मतलब यहां पर ये आपका किसके इक्वल होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल। अब देखो यहां पर ध्यान से समझना है, जितना आपका वेकेंट ऑर्बिटल होगा, जितना आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतने वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। तो यहां पर वेकेंट ऑर्बिटल कितने होंगे? 4, और यहां पर वेकेंट ऑर्बिटल आपके कितने होंगे? 6। अब 4 वाले दो कैटेगरी में डिवाइड हुए, ध्यान से समझना, 4 वाले में अगर आपका एस पी 3, मतलब 3 पी ऑर्बिटल और एक एस वैकेंट ऑर्बिटल आपका आपस में हाइब्रिडाइज होगा, मतलब यहां पर मैं लिख देता हूं इसको, एक वैकेंट एस और 3 वैकेंट पी ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज होंगे, तो आपका sp3 आपका बनाएगा। अगर यहां पर एक डी वैकेंट एक एस आपका वैकेंट ऑर्बिटल और प्लस 2 आपका वेकेंट पी ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज होगा, तो क्या बनाएगा? डीएसपी टू इस तरीके से बना लेगा, ठीक है। अब यहां पर भी बच्चों आपका दो टाइप का होगा, या तो आपका यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर आपका डी टू एसपी थ्री और यहां पर sp3d2। अब इसका मतलब समझना, अगर आपका D अंदर की ओर आ रहा है, इनर वाला आ रहा है, अंदर की ओर है, D आपका अंदर की ओर है, तो इसको क्या बोलेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसको भी क्या बोलेंगे? इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसको क्या बोलेंगे? यहां पर D आपका बाहर आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली में क्या होता है ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एक्चुअली में क्या होता है, ये जो इनर डी ऑर्बिटल होता है ये आपका कौन सा होता है? n-1d ऑर्बिटल। ये आपका आउटर डी कौन सा होता है? nd ऑर्बिटल, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझो, ठीक है बच्चों। यहां पर इसी थ्योरी को हमको समझना है। अब देखो यहां पर मैं अगर बोलना चाहूं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ, एक एक करके ध्यान से समझना बच्चों। काफी ईजी टॉपिक है ये, काफी ईजी पड़ेगा आपके लिए, ठीक है। तो यहां पर मैं अगर बात करूं तो sp3 dsp2 d2sp3 और sp3d2, इसका क्या होगा स्ट्रक्चर? टेट्राहाइड्रल। इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। इसका क्या हो जाएगा? ऑक्टाहाइड्रल। इसका क्या हो जाएगा बच्चों? ऑक्टाहाइड्रल। और इसका भी क्या हो जाएगा? ऑक्टाहाइड्रल। इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनाएगा। बात क्लियर है बच्चों? काफी इजी कंसेप्ट है, इस तरीके से आपका कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। तो यहां पर तो मैंने जो इंपॉर्टेंट आपके जो वो हाइब्रिडाइजेशन है
उसको मैंने बताया, केवल यहां पर मैंने इंपोर्टेंट हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर को बताया। ठीक है बच्चों, यहां पर D2SP2 भी आ सकता है, D2SP2 भी आ सकता है ना, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से समझना यहां पर कि यहां पर इस टाइप से मैंने बना दिया, क्लियर है? यहां तक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब टेट्राहेड्रल, स्क्वायर पेनल, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर ये जो होगा, ये आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर जनरली, जनरली टर्म्स में बता रहा हूं, यहां पर जनरली, ये आपका जनरली, जनरली ये आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड से बनेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से बनेगा। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड में आपको बताऊंगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये भी आपका जनरली किससे बनेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से बनेगा, जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से बनेगा। ये आपका किससे बनेगा बच्चों, वीक फील्ड लिगेंड से। जनरली, जनरली मतलब हो सकता है कि आपका स्ट्रॉन्ग वाला भी ऐसा बना ले, लेकिन जनरली बता रहा हूं। ठीक है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे हमेशा, इसको हम बोलेंगे जब जब आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो इसको हम बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जनरली हम इसको क्या बोलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और इसको क्या बोलेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये भी आपका किससे बनेगा, वीक फील्ड लिगेंड से। ये आपका किससे बन सकता है, वीक फील्ड लिगेंड से। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसका, इसका आपका क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प, सॉरी इसका हो जाएगा हाई, इसका हो जाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैसे होगा मैं बताऊंगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, और जिसका आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है वो आपका जनरली क्या होगा, पैरामैग्नेटिक या फिर डायमैग्नेटिक। इसके लिए म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, और इसके लिए क्या हो जाएगी, म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन इसके लिए म्यू की वैल्यू जीरो होगी, या फिर हम बोल सकते हैं म्यू की वैल्यू लो होगी, या फिर इसके लिए म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, हाई हो जाएगी, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं म्यू की वैल्यू इसके लिए हाई हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए म्यू की वैल्यू क्या आएगी, हाई, और इसके लिए म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, इसके लिए म्यू की वैल्यू आपकी जीरो के इक्वल भी हो सकती है और आपका लो भी हो सकता है। तो मतलब यहां पर अब आप समझ लो ध्यान से कि इस तरीके से हमारा होगा। ठीक है, इन सब का मैं निकालूंगा, कंक्लूड में निकालूंगा, पूरा कंक्लूजन निकालूंगा, फिर आप इसको एनालिसिस करना। ठीक है, अब यहां पर मैंने एक बात किया बच्चों, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, तो इसको समझ लेते हैं बच्चों। यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड आपका होता क्या है बच्चों, ये डायरेक्टली आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पे। ठीक है, किसके ऊपर, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। अब लिगेंड का स्ट्रेंथ हम किस तरीके से निकालेंगे, जल्दी बताओ, लिगेंड का स्ट्रेंथ हम किस तरीके से निकालेंगे बच्चों। तो लिगेंड के स्ट्रेंथ का मैं कुछ ऑर्डर आप लोगों को लिखा देता हूं बच्चों, यहां पर CO CN माइनस, यहां पर आपका हो जाएगा PPH3, यहां पर आपका हो जाएगा बच्चों PHEN, यहां पर आपका हो जाएगा PY बाई पाई, यहां पर आपका ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, EN के बाद आपका NH3 के बाद आपका OH-, ठीक है, देन आफ्टर आपका H2O। ठीक है, ये वाला आपका वीक लिगेंड है, यहां पर आपका वीक लिगेंड के साइड चला गया, मतलब ये सारे स्ट्रॉन्ग है, इसके अलावा जो भी होंगे वो सारे वीक होंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका बिहेव एज वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, बट इन प्रेजेंस ऑफ CO+3 एंड Cu+2 एंड हाँ Cu+2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा बच्चों। अगर मैंने बात किया कि ध्यान से समझना, अब ये आपका वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा इन प्रेजेंस ऑफ, वैसे तो ये आपका वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ CO+3 एंड Cu+2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक और ऑर्डर बता दिया, जनरल ऑर्डर, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रो
स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आपकी बुक में और भी लंबा दिया हुआ है, लेकिन आपको जनरली ये वाला ध्यान रखना है। नाउ अब क्या होगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, अब इसका खेल क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपका यहां पर, देखो यहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों हुंस रूल। कौन सा रूल पढ़ा होगा बच्चों यहां पर आप लोगों ने, हुंस रूल। अब देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या करेगा, हुंस रूल। अब देखो हुंस रूल के अकॉर्डिंग ये मेरे पास डी ऑर्बिटल है। अब देखो ये एक दो, ये मैंने इस तरीके से बना दिया, ठीक है। ये आपका वीक फील्ड लिगेंड के केस में, ये आपका किसके केस में, वीक फील्ड लिगेंड के केस में। लेकिन अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया तो आपका कौन सा रूल लग जाएगा, एंटी हुंस रूल, मतलब हुंस रूल के खिलाफ रूल लगेगा, हुंस रूल के खिलाफ कर देगा ये आपको। एंटी हुंस रूल मतलब आपका समझना ध्यान से, ये आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा, मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन को आपको क्या कर देगा बच्चों, पेयर कर देगा। अगर मैं एंटी हुंस रूल बोलना चाहूं तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका इसके पास चला जाएगा, ये वाला इसके पास, तो यहां पर आपका पेयरिंग हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। तो ये आपका किसके प्रेजेंस में होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में। थोड़ा सा ध्यान से समझना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में अनपेयर इलेक्ट्रॉन विल बी पेयर, अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों, यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ध्यान से समझना, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड जनरली डिपेंड अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड, जनरली जनरली डिपेंड अपॉन व्हाट। अब देखो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कार्बन डोनर, कार्बन डोनर। उसके बाद आपका कौन सा डोनर, फॉस्फोरस डोनर आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद आपका नाइट्रोजन डोनर, नाइट्रोजन डोनर के बाद ऑक्सीजन डोनर, ठीक है, ऑक्सीजन डोनर के बाद आपका हेलोजन डोनर। ये आपका स्ट्रेंथ यहां पर है। अगर इसका मतलब आपको क्या समझ में आया, सबसे पहला पॉइंट इसका मतलब आपको क्या समझ में आया, जहां पर कार्बन अगर लोन पेयर देगा तो वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, जहां पर फॉस्फोरस आपका लोन पेयर देगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, जहां पर नाइट्रोजन लोन पेयर देगा, ये सारे आपके वीक की कैटेगरी में आ जाएंगे, ये सारे आपके किसके कैटेगरी में आ जाएंगे, वीक फील्ड के कैटेगरी में, वीक फील्ड लिगेंड के कैटेगरी में, ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड के कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां से यहां तक आपके स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों कैटेगरी आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से यहां पर कार्बन अगर डोनेट करेगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, फॉस्फोरस डोनेट करेगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो वीक फील्ड लिगेंड। यहां पर NH3, अब यहां पर एमीन आपका केस होता है जो कि वीक फील्ड लिगेंड का केस होता है। बाकी तो एक काम करो, इसको हम स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, इसको हम स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। अमोनिया के केस में एक आपका NH3 होता है जो कि आपका वीक होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा होता है पहला। दूसरा सिचुएशन हमारा क्या होता है कि यहां पर ध्यान से समझना, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंटिसिटी, मतलब जिसकी डेंटिसिटी ज्यादा होगी वो आपका ज्यादा स्ट्रोंग होगा, ठीक है। एक तो ये होगा मतलब डेंटिसिटी, देखो मैंने आपको जो सीरीज लिखाई होगी उसमें बाइडेंटेड आपके आगे हैं, बाइडेंटेड आपके आगे होंगे। थर्ड मैं बोल सकता हूं स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चिलेशन, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चिलेट लिगेंट। आप सबसे पहले चिलेट लिगेंट आपका होता क्या है बच्चों, देखो ध्यान से समझना, मैंने यहां पर मेटल आयन बनाया, यहां पर मैंने NH2 CH2 CH2 NH2 ये मैंने बना दिया। अब देखो यहां पर ये जो आपका लिगेंट है, जो आपका EN लिगेंट है, उसने क्या बना दिया, एक रिंग का फॉर्मेशन कर दिया। इसी रिंग के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, चिलेशन। और इसी टाइप के वो लिगेंट जो आपके रिंग का फॉर्मेशन करे वो आपका क्या होता है बच्चों, चिलेट लिगेंट, ठीक है, चिलेट लिगेंट हो जाएगा, ठीक है। चिलेशन जितना ज्यादा चिलेशन होगा उतना ज्यादा आपका लिगेंट आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर लिगेंट उतना ज्यादा आपका स्ट्रेंथ वाला हो जाएगा। एक और देखते हैं बच्चों यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंट में हम लोग, ध्यान से समझना, फोर्थ फोर्थ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंट, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंट
लीगेंट, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंट विल इंक्रीज व्हेन इट मूव्स, विल इंक्रीज कब कब आपका इंक्रीज होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब हम क्या करेंगे, वी मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन, वी मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन इन डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर अगर मैं मूव करूंगा तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंट आपका अपने आप क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर कि निकल के केस में, निकल सी एल फोर टू माइनस और यहां पर पीटी सी एल फोर टू टू माइनस, आप देखो अगर मैं, ये मेरे कौन से सीरीज में आता है, थ्री डी में, और ये मेरे कौन से सीरीज में आता है, फाइव डी में। देखो डी ब्लॉक तो मैंने नीचे गया तो यहां पर जो आपका जो सी एल प्रेजेंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। सी एल क्या हो जाएगा बच्चों, आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड। थोड़ा सा थियोरी को समझ लो बच्चों अच्छे से, बस ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपका हो जाएगा। और ये यहां पर आपका क्या होता है बच्चों, एक्चुअली हेलोजन आपके वीक लिगेंड होते हैं। इस तरीके से आपको ध्यान रखना, बस कुछ कुछ एग्जाम्पल है बच्चों इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आपका थोड़ा सा यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के बारे में बता दिया, लिगेंड आपका क्या करेगा क्या नहीं करेगा किसे करेगा, ये सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नाउ अब हम चलेंगे बच्चों इसके एग्जाम्पल प्रोपोर्शन पे, ठीक है। तो एग्जाम्पल पोर्शन हम इसका एक एक करके देखेंगे, ठीक है। अब हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों एक एक करके ध्यान से। तो पहला एग्जाम्पल मेरे क्या लिया देखते हैं, ध्यान से समझना बच्चों एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने K3FeCN6, ठीक है, K3FeCN6 ये मेरा एग्जाम्पल है। अब यहां पर स्ट्रक्चर चाहे आपका कोई सा भी बने वो छोड़ो, सबसे पहले हमको सबसे पहले एनालिसिस करना है। सबसे पहले आप निकालो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर Fe का कितना होगा, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर कितना होगा, ठीक है। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पर +3। तो Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे बच्चों, मैंने आपको बताया था Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6। देखो अगर मैं Fe की बात करूंगा, आइसोलेटेड Fe की, आइसोलेटेड कंडीशन में मैंने अगर Fe की बात की तो 3d6 4s2, और अगर मैं Fe+3 का लिखना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, 3d5 4s0 हो जाएगा। अब ध्यान से समझना बच्चों यहां पर कि ये आपका हो गया, अब देखो यहां पर इस तरीके से मैंने बना दिया, ये मैंने 3d5 बना दिया, ये मैंने क्या बना दिया बच्चों, 3d5 बना दिया, बात क्लियर है। और यहां पर मेरा क्या हो गया बच्चों, 4s0, ठीक है। अब यहां पर मेरा 4s के बाद 4p, ये मेरे पास कौन से है, 4p, ये आपका वेकेंट ऑर्बिटल, ये आपका 4s, ठीक है। अब देखो यहां पर ये कौन सा लिगेंट है, ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है, ये आपका कौन सा लिगेंट है, देखो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखो बच्चों, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट होगा। जब ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट होगा तो ये आपका क्या करेगा बच्चों, ये आपका एंटी हुंस रूल लगाएगा। तो जितने पेयर हो सकते उतने पेयर करेगा, जितने पेयर आपके हो सकते उतने पेयर करेगा, सारे नहीं कर देगा, 3 4 5 इसको पेयर किया। अब देखो यहां पर, आप देखो ध्यान से समझना बच्चों, यहां पर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये आपका एस ऑर्बिटल 4s, ये आपका 4p, ये आपका 3d, ये आपका 3d ऑर्बिटल, ठीक है, लाइन को ध्यान से बनाना, ठीक है, ये आपका 3d ऑर्बिटल। अब मुझे ये बताओ कि कितने कितने कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहो तो कैसे निकालूंगा बच्चों, जल्दी से निकालो कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बच्चों इसका। देखो यहां पर 6 है, 6 × यूनिडेंटेड 1, टोटल कितना आ गया 6। तो यहां पर 6 आपके वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। देखो ये आपका यहां इलेक्ट्रॉन भरेगा, एक सी एन आपका यहां इलेक्ट्रॉन को 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 भरेगा, और एक सी एन आपका यहां इलेक्ट्रॉन को भरेगा। टोटल कितने भर दिए, आप कौन कौन से ऑर्बिटल आपके वेकेंट ऑर्बिटल आपके कौन कौन से हाइब्रिडाइज में पार्टिसिपेट किए, ये तो एक तो आपका अंदर वाला 3d कौन कौन से आपके पार्टिसिपेट किए बच्चों, देखो यहां पर आपका कौन कौन से आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किए, 3d,
3D के कितने, दो 3D ऑर्बिटल, और यहां पर एक क्या हो जाएगा, 4s ऑर्बिटल, और चार और तीन p ऑर्बिटल, इस तरीके से 4p 4p। मैंने क्वांटम नंबर इसलिए लिख रहा हूं, मुझे आपको बताना है, अप नहीं है बच्चों, ये 4p है, ठीक है। अब जहां पर क्या हो जाएगा टोटली, ये सब जब आपके हाइब्रिडाइज्ड करेंगे तो यहां पर d2sp3। अब देखो यहां पर क्वांटम नंबर कितना है, n, n की वैल्यू कितनी है, 4। यहां पर n की वैल्यू कितनी है, n-1। तो यहां पर d के लिए वैल्यू कितनी है, n-1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया। इसका मतलब यहां पर कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है, n-1d ऑर्बिटल। अब n-1d ऑर्बिटल, और मैंने बताया था ये आपका n-1d ऑर्बिटल में स्पिन मोमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पेयरिंग होने की वजह से स्पिन कॉम्प्लेक्स, आपके स्पिन कॉम्प्लेक्स की स्पिनिसिटी कम हो जाती है, मतलब स्पिन वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसीलिए ये हमेशा क्या बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो d2sp3 के लिए स्ट्रक्चर क्या होता था बच्चों, ओक्टाहाइड्रल। ओक्टाहाइड्रल d2sp3 के लिए स्ट्रक्चर आपका क्या होता था, ओक्टाहाइड्रल। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा तो मैं यहां बना रहा हूं, देखो Fe CN 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 CN, और ये आपका CN, और यहां पर आपका इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, इसके ऊपर चार्ज आएगा -3, और यहां पर 3K+, ठीक है। इस तरीके से आपका बन गया बच्चों, ठीक है। अगर मैं इसके लिए म्यू की वैल्यू निकालना चाहूं, मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट में कैसे निकालूंगा जल्दी बताओ। यहां पर म्यू इक्वल टू क्या होता है, n n+2 बोर मैग्नेटोन। एन क्या होता है यहां पर, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने, वन है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों आपका, वन वन प्लस टू, टोटल कितना हो जाएगा, थ्री। यहां पर क्या आ जाएगा, √3। √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, जल्दी बताओ। √3 की वैल्यू 2.7 कुछ, ठीक है। ये आपका बोर मैग्नेटोन, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। काफी इजी है, अगर आप लोग करना चाहोगे तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर आपका आ जाएगा, काफी इजी है, अगर एक दो बार करोगे तो आपको समझ में अच्छे से आने लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहां पर क्या निकाला बच्चों, इस कॉम्प्लेक्स की आइडेंटिफिकेशन, कि मैग्नेटिक मोमेंट आपको उसने नहीं बताया था, वर्नर ने आपको ना तो स्ट्रक्चर के बारे में डिफाइन किया था, तो इस तरीके से। और ये जो सारे बॉन्ड होंगे वो सारे कौन से कैटेगरी के होंगे, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन से कैटेगरी के होंगे बच्चों, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये सारे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, और सारे के सारे कौन से होंगे, सिग्मा कॉम्बो बॉन्ड। थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा पहला एग्जाम्पल। नाउ अब हम मूव करते हैं बच्चों सेकेंड एग्जाम्पल पे। तो इसका सेकंड एग्जाम्पल हम देखते हैं बच्चों एक एक करके ध्यान से। तो हमारा जो सेकंड एग्जाम्पल है FeCO5। अब देखो मैंने आपको कुछ हाइब्रिडाइजेशन बताए थे वहां पर, लेकिन कुछ इसके अलावा भी होते हैं बच्चों FeCO5। तो FeCO5 में हम किस तरीके से करेंगे इसको इसको एनालिसिस, इसको समझते हैं, ठीक है। अब देखो FeCO5 एग्जाम्पल नंबर 2, FeCO5। FeCO5 में बच्चों सबसे पहले मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर मैं निकालता हूं, निकालो ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन Fe, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इक्वल टू व्हाट, 0। ऑक्सीडेशन नंबर आपका 0 आ गया, बहुत ही अच्छी बात है। अब नाउ आइसोलेटेड कंडीशन में Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 3d6 4s2, ठीक है। हमेशा डी वाला अंदर लिखना है बच्चों, यहां पर एनर्जी के हिसाब से नहीं, इसको हमको क्वांटम नंबर के वो अरेंजमेंट के हिसाब से जमाना है, 3 पहले और 4 पहले, एस बाद में। आपको पता है कि सर आपका 4s पहले आएगा, 3d बाद में आएगा, लेकिन हम अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो हम आउटर मोस्ट शेल से निकालते हैं ना, इलेक्ट्रॉन हम कहां से निकालते हैं बच्चों, आउटर मोस्ट शेल से। तो शेल की वैल्यू कहां से पता पड़ती है, 4 5 6 से। तो इसीलिए हमने इसको इस तरीके से लिखा। वैसे तो आप लोगों का सही है कि 4s2 अंदर आएगा, 3d6 बाहर आएगा, लेकिन हम आउटरमोस्ट शेल से जब मैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालूंगा तो इसीलिए मैंने 4 को आगे लिखा। बात क्लियर है यहां तक। अभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चों, 0 है, तो 0 के लिए
जीरो के लिए आपका क्या रहेगा बच्चों, 3d6, कोई इलेक्ट्रॉन हम बाहर नहीं निकालेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ, देखो यहां पर डी ऑर्बिटल मैंने बना दिया, ये आपका 3d6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2। अब यहां पर आपका p इस तरीके से मैंने बना दिया, देखो यहां पर मैंने 4s2, यहां पर 4p0, ठीक है। अब देखो यहां पर ये किस टाइप का लिगेंट है, ये आपका कौन सा लिगेंट है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है बच्चों, सीरीज में चेक करो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट होगा बच्चों, ये आपका कार्बन डोनर है, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है। अब यहां पर अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट होगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट होगा, तो क्या होगा कि अब आपका एंटी होम्स रूल लगेगा, मतलब ये आपका पेयरिंग करेगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये वाला इसके साथ, इस तरीके से आपका पेयरिंग यहां पर हो जाएगा, इस तरीके से यहां पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, पेयरिंग आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर आपका पेयरिंग हो गया, जब आपका इस तरीके से यहां पर आपका पेयरिंग हो गया तो आप क्या बन जाएगा बच्चों स्ट्रक्चर, देखो देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6, ये कंप्लीटली पेयरिंग हो गया, और एक और यहां पर 6। अब यहां पर आपका ये तो आपका पेयर हो गया, अब ये आपका कौन सा ऑर्बिटल है, 3d ऑर्बिटल, ये आपका कौन सा हो गया, 4s ऑर्बिटल हो गया, ये आपका क्या हो गया बच्चों, 4p ऑर्बिटल। अब यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो जल्दी से, अगर मैं यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से चेक करो, यहां पर आपका क्या है 5, और यूनिडेंटेड है तो 1, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 5, तो 5 वैकेंट ऑर्बिटल। सो वी हैव रिक्वायर्ड 5 वैकेंट ऑर्बिटल, 5 वैकेंट ऑर्बिटल, मतलब मुझे 5 वैकेंट ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो 5 वैकेंट ऑर्बिटल कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों, यहां पर ये एक तो 3d, एक आपका यहां पर 4s का वैकेंट ऑर्बिटल, एक 3 4p के। अब देखो ये सारे आपके क्या होंगे बच्चों, हाइब्रिडाइज्ड होंगे। हाइब्रिडाइज्ड होके क्या बनाएंगे, डी एस पी थ्री, मतलब आप समझना। अब यहां पर डी कौन सा है बच्चों, इनर डी ऑर्बिटल। अब आपको समझ में आ गया होगा इनर डी ऑर्बिटल क्यों, क्योंकि क्वांटम नंबर 4 है और यहां पर एन माइनस डी ऑर्बिटल है, ठीक है, अंदर वाला डी पार्टिसिपेट हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोला, अब मुझे ये बताओ sp3d का स्ट्रक्चर क्या, कैसा होता था बच्चों आपका, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। तो यहां पर इसका स्ट्रक्चर भी क्या होगा, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। अब इसका स्ट्रक्चर मैं बना लेता हूं, देखो इसका स्ट्रक्चर मैं यहां पर बनाता हूं, ठीक है। तो देखो यहां पर Fe मैंने इस तरीके से लिख दिया, ये मेरा CO, 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 ठीक है। आप लोगों को एक और वर्क के होमवर्क है बच्चों, कि आप लोगों को यहां पर क्या निकालना है, यहां पर आप लोगों को EAN सारे स्ट्रक्चर का निकालना है, सारे स्ट्रक्चर का आप लोगों को हमेशा EAN निकालते हुए चलना है, ताकि आप लोगों को समझ में आने लग जाए, ठीक है। EAN निकाल देना बच्चों, यहां पर CO जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर CO अपना 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, यहां पर CO अपना 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, यहां पर CO अपना 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, यहां पर CO अपना 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो इस तरीके से आपका इस तरीके से हो जाएगा, बात क्लियर है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकालूंगा, म्यू की वैल्यू, तो म्यू की वैल्यू मैं क्या निकाल सकता हूं, देखो म्यू की वैल्यू क्या हो गया, एन अंडर रूट ऑफ एन एन प्लस टू। अब देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने, 0 0 प्लस 2, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 0 0 बोर मैग्नेटोन, 0 बोर मैग्नेटोन का मतलब ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक या फिर पैरामैग्नेटिक, ये आपका हो जाएगा बच्चों डायमैग्नेटिक, ठीक है, डायमैग्नेटिक आपका हो गया। यहां तक क्लियर है। अब देखो यहां पर कोई आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, मतलब स्पिन कॉम्प्लेक्स बढ़ता जाएगा, स्पिन भी बढ़ता जाएगा। तो यहां पर अगर मैं बोल सकता हूं, स्पिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो स्पिन आपका बढ़ेगा, तो यहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे,
लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्या बोलेंगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर है बच्चों? स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहां पर ज्योमेट्री भी बना सकते हैं। आपका आपका यहां पर हम मैग्नेटिक मोमेंट का भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, लेकिन ऑप्टिकल का नहीं निकाल पाएंगे, ऑप्टिकल का नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है यहां तक। यहां तक समझ में आ गया होगा, आई होप सो। कि नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों? नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। अब हम ध्यान से अगला एक और एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है CrNH3 6, CrNH3 6, और यहां पर आपका क्या आ जाएगा बच्चों? यहां पर Cl3। आप देखो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, सबसे पहले इसका क्या निकालो? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे बच्चों? यहां पर आ जाएगा +3, अब इसका निकालेंगे तो Cr का क्या आ जाएगा? +3। इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर आइसोलेटेड कंडीशन में, आइसोलेटेड कंडीशन में सीआर का क्या होगा बच्चों वो बताओ? 3d5 4s1, क्योंकि ये एक्सेप्शन होता है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, मैंने आपको बता रखा है। तो यहां पर इस तरीके से आपका हो जाएगा, 3d5 में बना देता हूं, ये मैंने 3d5 बना दिया, ये मैंने 4s बना दिया। अब देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या लिख देता हूं बच्चों? यहां पर मैंने लिख दिया, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपका कौन सा है? 3d5 वाला है, और ये आपका कौन सा बच्चों? 3 4s वाला। बात क्लियर है? बात क्लियर है यहां तक? 3d5 4s1। अब यहां पर आइसोलेटेड कंडीशन में आप देखो, यहां पर ध्यान से समझना, अगर मैंने इसको Cr+3 में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में, तो यहां पर क्या बन जाएगा? 3d एक इलेक्ट्रॉन यहां से, दो यहां से, तो 3d 4s0। तो आपका क्या हो जाएगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन गायब आउटर मोस्ट शेल का, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी आपका गायब हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी आपका गायब हो जाएगा। अब ये सीआर के प्रेजेंस में किसकी तरह बिहेव करेगा? वीक फील्ड लिगेंड की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा? वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा सीआर के प्रेजेंस में। जब ये सीआर के प्रेजेंस में आपका वीक फील्ड, केवल दो ही कंडीशन, कॉपर और कोबाल्ट के प्रेजेंस में ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। अमोनिया मैंने आपको लिखाया है, थोड़ा सा उसको पढ़ना ध्यान से। ठीक है, यहां तक हो गया, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ आप क्या करेंगे यहां पर? कोऑर्डिनेशन नंबर, यहां पर हम क्या करेंगे फिर? यहां पर हम देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो बच्चों। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? 6 × 1, टोटल कितना आ गया? 6। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने निकाल लिया। अब हम देखते हैं बच्चों ध्यान से कि अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, यहां पर 3p, ये आपका 4p, ये आपका क्या हो जाएगा? 4s, ये आपका क्या हो जाएगा? 3d। अब देखो वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये आपका एंटी हुंस रूल लगाएगा नहीं। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड है तो एंटी हुंस रूल लगाएगा नहीं, यहां पर ये आपका एंटी हुंस रूल नहीं लगाएगा। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो मुझे को कितने लिगेंड, कितने वैकेंट ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है? 6 1 2 3 4 5 6 6 हो गए। यहां पर ये इसको अटैच कर देगा, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका NH3, यहां पर आपका NH3, अपने दो इलेक्ट्रॉन देगा ना, लोन पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैं दो बार क्रॉस लगा रहा हूं, इसलिए मैं यहां पर दो बार क्रॉस लगा रहा हूं, NH3 NH3 NH3, ये हो गया आपके 6। बात क्लियर है यहां तक? यहां तक आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। एक्चुअली में क्या हुआ यहां पर, कि यहां पर 3d के दो ऑर्बिटल, 4s का एक, 4p के आपके चार, 4p के आपके सॉरी तीन ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज्ड हुए। हाइब्रिडाइज होके क्या बना है? d2sp3 ऑर्बिटल, और d2sp3 ऑर्बिटल में कौन गया आपका? लिगेंड गया, जिसकी एनर्जी आपके सेम है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? आपका ऑक्टाहाइड्रल। इसका स्ट्रक्चर आपका क्या होता है बच्चों? ऑक्टाहाइड्रल। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? देखो Cr यहां पर मैंने लिख दिया, NH3 यहां पर मैंने लिख दिया, NH3 यहां पर मैंने लिख दिया, NH3
यहां पर मैंने लिख दिया NH3, यहां पर मैंने लिख दिया NH3 और यहां पर मैंने लिख दिया NH3, ठीक है। और यहां पर ये होगा +3, ठीक है, और यहां पर 3Cl-, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इनर डी ऑर्बिटल या आउटर डी ऑर्बिटल? देखो n की वैल्यू 4 है, 4 में से कौन सा वाला डी काम में आया, n-1 वाला, तो n-1 डी ऑर्बिटल अगर आपका काम में आया तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनर डी ऑर्बिटल, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोल दिया इसको हमने, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोल दिया, इतना इजी था, ठीक है। अगर मैं इसके लिए म्यू की वैल्यू निकालना चाहूं तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, n n+2, तो n की वैल्यू कितनी है, 3 है यहां पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 3+2, 3+2 मतलब 5 5 × 3, यहां पर हो जाएगा 15, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 3.9 बोर मैग्नेटोन, इस तरीके से इसका अंडर रूट 15 की वैल्यू आप लोगों को खुद से निकालना आना चाहिए बच्चों, 3.9 बोर मैग्नेटोन इसका आंसर आ गया। नाउ अगर मैं बात करूं यहां पर सारे के सारे अनपेयर है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। आप जनरली वाले टर्म्स को मत लो, ठीक है, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल था, इसके थ्रू आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा सा अच्छा वाला देखते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं यहां पर, ठीक है, NI DMG2Cl2, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो डीएमजी, सबसे पहले आप यहां पर क्या निकालोगे, ऑक्सीडेशन नंबर, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा बच्चों, डीएमजी के ऊपर -1 होता है, डायमिथाइल ग्लाइसिनेट हो, ठीक है, इसका IUPAC नेम आप लोग खुद से लिखना, ठीक है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो Ni का X यहां पर 2 -2 और इसकी वजह से +2, ठीक है, 2 -1 इसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, +2, तो यहां पर आपका हो जाएगा 2 और यहां पर X की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 4। तो निकल का आइसोलेटेड निकल का, आइसोलेटेड निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कितना होता है बच्चों, 3d8 4s2। अगर मैं यहां पर Ni+4 का निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3d6 4s2। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं, देखो 3d6 का, ये मैंने 3d बना दिया, 3d ऑर्बिटल, ठीक है, यहां पर मैंने s ऑर्बिटल बना दिया और यहां पर मैंने p ऑर्बिटल बना दिया, ठीक है, ये मेरा पास p ऑर्बिटल, 4p और यहां पर 4s। अब देखो यहां पर 3d6 है, 3d6 का मतलब 1 2 3 4 5 6। अब यह यहां पर कौन सा लिगेंट है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है ना बच्चों, क्योंकि आपकी डेंटिसिटी बढ़ी है, डेंटिसिटी बढ़ेगी तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट होगा, जब यह आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट होगा तो ये क्या करेगा, एंटी हुंस रूल लगाएगा। एंटी हुंस रूल कैसे लगाएगा बच्चों, ये वाला इस तरफ, ये वाला इस तरफ, पेयरिंग आपका हो जाएगा, पेयरिंग होने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, देखो पेयरिंग हो गया। अब देखो पेयरिंग होने के बाद आपका कुछ ऐसा हो गया, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहां पर ध्यान से समझने वाली बात यह है कि जहां पर आपका कौन सा कंपाउंड काम में आएगा, ठीक है, जहां पर निकल का ऑक्सीडेशन नंबर DMG डाई मिथाइल ग्लाइसिनेटो -1 Cl2। 2 मिनट रुकना बच्चों, डीएमजी का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर कितना होगा, एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, डीएमजी का ऑक्सीडेशन नंबर, गलत हो सकता है, डीएमजी का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, यहां पर ये Cl2, यहां पर आपका +2, ठीक है, डीएमजी डाइमिथाइल ग्लाइसिनेटो इसका ऊपर -1 -1 -2 - वहां जाएगा ++4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इसको इस तरीके से कर दो बच्चों, ठीक है, तो यहां पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पर 2 हो जाएगा और यहां पर आपका ये आपका ये आपका 2, ये आपका 0 और यहां पर आपका 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका 8 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, सॉरी सॉरी बच्चों, इस तरीके से आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब ये आपका क्या करेगा बच्चों, यहाँ पेयरिंग करेगा, ठीक है। तो यहां पर आपको एक्चुअली मैं आपको कोई और एग्जांपल बताना चाह रहा था उसी के इसमें मैंने आपको बताया, ठीक है, ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन आपका, जब ये यहां पर आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चों, अब यहां पर आपका कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर अगर आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो यहां पर ये कौन सा है बच्चों,
ये आपका 3D हो गया, ये आपका यहाँ पर 4S हो गया, यहाँ पर आपका 4P हो गया। अब सबसे पहले आप लोग क्या निकालोगे बच्चों, सबसे पहले आप लोग निकालोगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे जल्दी से बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 2 और ये क्या होता है बच्चों, बाइडेंटेड होता है, तो टोटल कितना हो जाएगा 4। तो 4 मुझे वेकेंट और ऑर्बिटल चाहिए, तो यहाँ पर 4 वेकेंट और ऑर्बिटल, मतलब यहाँ पर डीएनजी अगर आपका बाइडेंटेड होता है तो दो जगह बॉन्ड बनाएगा, एक डीएमजी, एक डीएमजी आपका कितनी जगह बॉन्ड बनाएगा, दो जगह बॉन्ड बनाएगा। ये आपका डीएमजी दो जगह बॉन्ड बनाया इसने, क्योंकि बाइडेंटेड है ना, तो दो जगह बॉन्ड बनाएगा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक्चुअली में हुआ क्या कि एक 3D ऑर्बिटल, एक 4s और दो दो आपके 4p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज्ड हुए, हाइब्रिडाइज्ड होके DSP2 हाइब्रिडाइजेशन वाला स्ट्रक्चर बनाया, और DSP2 की वजह से आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर हो गया। अब स्क्वायर प्लानर आपका स्ट्रक्चर बनेगा, ये बात आप लोगों को कंफर्म समझ में आ गई होगी। डी कौन सा, इनर डी ऑर्बिटल काम में आया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनर डी कॉम्प्लेक्स, इनर डी कॉम्प्लेक्स। यहां तक आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब देखो कोई भी आपका अकेला है नहीं है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और मैंने बोला था लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जनरली शोन बाय स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बात क्लियर है। अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, निकल यहां पर ये आपका डीएमजी ने दो बनाया बॉन्ड, देखो ये आपका स्क्वायर प्लानर हो गया, ये आपका देखो ना, इसकी वजह से ये आपका दिख नहीं रहा होगा स्क्वायर प्लानर है, लेकिन देखो ये आपका स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरीके से आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया बच्चों, काफी क्लियर है। अगर म्यू की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, मतलब क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, और बाकी क्या होता है बच्चों, पैरामैग्नेटिक, बाकी अदर क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक। अगर म्यू की वैल्यू जीरो है तो डायमैग्नेटिक, क्यों, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें जीरो है। तो इस तरीके से हमने इस लिगेंड को भी अच्छे से, इस कॉम्प्लेक्स को भी हमने अच्छे से देख लिया कि किस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनेगा। नाउ अब हम समझते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट लिगेंड के बारे में, समझते हैं बच्चों नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स, एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, एग्जांपल करना काफी जरूरी है, ठीक है। तो अगला एग्जांपल देख लेते हैं, यहां पर CO(En)2Cl2 और यहां पर मैंने Cl बनाया, ठीक है, यही है आपका, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पर इसका अगर मैं यहां पर सबसे पहले CO का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, CO का क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो CO का ऑक्सीडेशन नंबर X, En का 0, यहां पर +2 -1 और इसकी वजह से यहां पर +1 इक्वल टू +1, तो X इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहां पर CO का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, तो आइसोलेटेड आइसोलेटेड कंडीशन में CO का आइसोलेटेड कंडीशन में आपका CO का क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, आइसोलेटेड कंडीशन में CO का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D, बोलो 3D, कौन है, हाँ ये 7 और ये आपका 4s 2। अब यहां से मुझे CO प्लस 3 का कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो क्या हो जाएगा, 3D6 4s 0। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बना, अब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, ये मैंने बना दिया, देखो ये मैंने बना दिया 3D, ये मैंने बना दिया 4s और ये मैंने बना दिया 4p। अब यहां पर बात को ध्यान से समझना है, ये मैंने बना दिया 4p जिसकी कोई अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मैंने बना दिया 4s और ये मैंने बना दिया 3D। अब देखो 3D का कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखो En, अगर दोनों में से कोई दो डिफरेंट टाइप के लिगेंड हो, अगर दोनों में से कोई भी अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग हो, ये En तो आपका स्ट्रॉन्ग है, तो वो पूरा कॉम्प्लेक्स आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। अब ये यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, तो एंटी हुक्स रूल लगा दो फटाफट, तो यहां पर मैंने एंटी हुक्स रूल लगा दिया, देखो एक ये वाला आपका इधर, ये वाला इधर, देखो एंटी हुक्स रूल लगा दिया मैंने। अब देखो यहां पर आपका 3D, यहां पर आपका 4s, यहां पर आपका 4p। अब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो इसका, इसका क्या निकालोगे बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर।
तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकलेगा बच्चों? यहां पर आपका दो है और बाइडेंटेड है तो दो, यहां पर दो है और ये वन है तो टोटल कितना आ जाएगा? सिक्स। तो सिक्स इलेक्ट्रॉन, मतलब आपका ईएन क्या करता है? दो बॉन्ड बनाता है, तो यहां पर एक ईएन इस तरीके से जुड़ेगा, आपका एक ईएन आपका इस तरीके से भी जुड़ सकता है, कहीं पर भी जुड़ सकते हैं, दो को एक साथ जुड़ना है। और दो जगह आपका कौन जुड़ेगा बच्चों? सीएल जुड़ेगा। ठीक है, एक्चुअली में क्या हुआ, एक्चुअली में क्या हुआ, देखो दो डी ऑर्बिटल और एक एस ऑर्बिटल और तीन पी ऑर्बिटल आपस में क्या हुए बच्चों? हाइब्रिडाइज्ड हुए। और कौन सा बनाया? D2SP3। मतलब स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ऑक्टाहाइड्रल। मतलब स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बच्चों आपका? ऑक्टाहाइड्रल। अब ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर हो गया, ध्यान से समझना, अब ऑक्टाहाइड्रल अगर आपका स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका कौन सा इनर डी कॉम्प्लेक्स काम में आ रहा है? इनर डी कॉम्प्लेक्स आपका काम में आ रहा है। अब यहां पर इनर डी कॉम्प्लेक्स काम में आ रहा है तो यहां पर N-1d ऑर्बिटल था। बात क्लियर है? बात क्लियर है? यहां पर सारे सारे क्या बच्चों? पेयर है। पेयर होने की वजह से म्यू की वैल्यू जीरो, मतलब डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो मैक्सिमम केस में क्या बनता है बच्चों? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो यहां पर क्या बन जाएगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? देखो यहां पर बता देता हूं स्ट्रक्चर। सीओ ये आपका ई एन, ये आपका ई एन और यहां पर आपका सी एल। ठीक है, अब देखो ये आपका ऑक्टाहेड्रल लग रहा है, इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर बनेगा। इसके ऊपर चार्ज कितना था? +1। ठीक है, इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो आई होप कि आपको इतने एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और भी एग्जाम्पल हम करते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में।